समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करहल से विधायक रहेंगे या फिर सांसद पद से इस्तीफा देंगे, इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा। दरअसल शनिवार को अखिलेश यादव ने सैफई में समाजवादी पार्टी के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में मैनपुरी के कई पार्टी नेता शामिल हुए थे। वहीं बैठक के बाद अखिलेश यादव ने एमएलसी के चुनावों को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए। वहीं अपने कार्यकर्ताओं की मांग पर अखिलेश यादव ने कहा है कि विधायक रहेंगे या सांसद, इसका फैसला जल्द ही करेंगे। जानकारी के मुताबिक मैनपुरी की दो सीटों पर हार के कारणों पर चर्चा करने के लिए अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई थी। इसी दौरान अखिलेश यादव ने ये बात कही। दरअसल सपा इस बार विधानसभा चुनावों में मैनपुरी सदर और भुगाव सीट पर चुनाव हार गई है। अपने ही गढ़ में दो सीटों पर चुनाव हारना सपा के लिए चिंता की बात बन गई है। अखिलेश ने मीटिंग के दौरान कार्यकर्ताओं को हिम्मत न हारने की बात की है। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। फिलहाल पार्टी के नेता पार्टी में एमएलसी पद के लिए दोनों प्रत्याशियों को मैनपुरी से जीतने में जुटे हुए हैं। मैनपुरी के नेताओं ने अखिलेश यादव से कहा है कि करहल की सीट से इस्तीफा ना दे, वे करहल से विधायक बने रहे। कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग पर अखिलेश यादव ने कहा है कि आजमगढ़ से सांसद रहेंगे या फिर करहल से विधायक बने रहेंगे, इसका फैसला पार्टी की बैठक में लिया जाएगा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव विधायक रहेंगे या सांसद से इस्तीफा देंगे, इस पर हमारे विश्लेषकों का क्या कहना है। अखिलेश यादव अगर उन्हें स्टेट की पॉलिटिक्स करनी है और अगला सीएम बनना है तो उन्हें विधानसभा में रुकना चाहिए, अगले इलेक्शन तक उन्हें हेड ऑन लेना चाहिए, उन मुद्दों पे उन्हें सवाल उठाने चाहिए, लड़ना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। लोकसभा में जाके हो सकता है कि ज्यादा टीआरपी मिल सकती है या हो सकता है कि अभी दिल्ली में रह के खबरें ज्यादा मिलती हैं, बट तब भी मेरा मानना यह है कि आप अगर करहल से रिजाइन करके और लीडर अपोजिशन की पोस्ट छोड़ते, क्योंकि लीडर अपोजिशन एक प्रोमिनेंट पोस्ट है, आपको वहां अगर आप सीएम नहीं बने तो आपको अपोजिशन में बैठ के 5 साल स्ट्रगल करना चाहिए, लड़ना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि जिन मुद्दों पर हमने आपको वोट दिया या आपने हमें वोट दिया है उन मुद्दों पर हम गंभीर हैं और गंभीर रूप से 5 साल तक लड़ेंगे। लेकिन यहाँ मुद्दा यह है कि विपक्ष के ज्यादातर नेता, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, तो वो एक तो आमने सामने के कन्फ्लिक्ट से शायद डरते हैं या जो भी उनके सवाल जमीन पे उतरते हुए डर लगता है। 6 महीने या 7 महीने अब इलेक्शन ईयर में आइए और इलेक्शन ईयर में 5 या 6 महीने आप आके शोर मचाइए और कहिए कि एक माहौल बन गया, तो नैरेटिव हो सकते हैं, नैरेटिव है, हवा आपके पक्ष में है, लेकिन बूथ मैनेजमेंट या आपका कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में तब नहीं होता है। अब आप देखिए ना, लास्ट मोमेंट पर आपने 25-30 टिकट आपने आखिरी दिन तक, नॉमिनेशन वाले दिन तक भी किसी को ये पता नहीं था, 2-2 आदमियों के पास फॉर्म भी है और वहां से फोन जा रहा है कि नहीं हमारा अधिकृत प्रत्याशी है, आप डरे हुए हैं कि आपका कैंडिडेट बगावत करके भाग जाएगा। अगर यही काम आपने साल भर पहले तय कर दिया होता कि मेरा कैंडिडेट ये होगा, हो जाने दीजिए बागी किसी को, साल भर में आपके पास तैयारियां होती हैं, उस साल भर में आप मैनेज कर लेते, अगर कोई बागी भी है तो उसकी कार्ड भी आपको ढूंढ जाती, तो वो सब चीज हो ही नहीं पाई। तो मुद्दा यही है कि आपको 5 साल टिकेंगे आप कैसे और टिकेंगे और फिर कैसे लड़ेंगे, अगर ये आपको तय करना है और आप मैदान छोड़ के भागेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 2024 में लोग फिर दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, ये देखेंगे कि सेंटर में बीजेपी को कौन जो है रिप्लेस कर सकता है और जो रिप्लेस करने की पोजीशन में होगा लोग उसके पीछे पोलराइज होंगे फिर से। कि कोई भी क्षेत्रीय दल अगर 2 बार लगातार सत्ता से बाहर चला जाता तो फिर उसको वापस आना एक बड़ा मुश्किल सा काम होता है अगर वो क्षेत्रीय दल है। अब आप इन्हीं को देखिए, मायावती को देखिए, वो तीसरी बार इस बार गई बाहर तो एक सीट उनको विधानसभा में, कहां पर वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज ये है कि लगातार 2 बार सत्ता से बाहर जाना ये क्षेत्रीय दल अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए। और मुर्तजा जी ने बहुत खूबसूरत बात निकाली और बहुत अच्छी बात कही है, वो ये कही कि करहल की सीट छोड़ना इनका आत्मघाती काम होगा। अगर ये केंद्रीय राजनीति में आप जाकर क्या करने वाले हो, आप केंद्रीय राजनीति में आपके पास 80 में से लोकसभा के कितने सदस्य हैं, क्या ये
एक तो सबसे बड़ी विनीता जी, जो मेरा डर है वो ये है, अगर इन्होंने करहल की कर सीट छोड़ दी और लोकसभा में ही रहे, तो मैं दावे के साथ सोचता हूं, मैं सुनिश्चित हूं, दावा तो नहीं करना चाहिए, कि 2024 तक समाजवादी पार्टी दो भागों में न बट जाए। ये दुर्भाग्यशाली बात होगी, क्योंकि अगर शिवपाल को इन्होंने, क्योंकि फिर शिवपाल ही विकल्प बनते हैं, कि शिवपाल को अगर इन्होंने विरोधी पक्ष का नेता बनाया, मंत्री पद उन्हें मिलेगा, और ऑलरेडी एक बार का काटा, एक बार समाजवादी पार्टी को एक बार डिवाइड कर चुके हैं शिवपाल, वो उनको अनुभव है। उस समय अमर सिंह उनके साथ थे, उस समय अमित शाह के माध्यम से तमाम चीजें उनके साथ में थी, तो वो विभाजित कर ले गए, और शायद अगर वो अमर सिंह जीवित होते तो अभी तक वो वापस नहीं आते अखिलेश के पास। लेकिन उनके अंदर अभी, मैं देखिए, मैं एक पत्रकार के रूप में बोल रहा हूं कि वो जहर उनका अक्सर दिखाई भी पड़ता है। और मैं एक बात और आपको, मैं आपसे जो भी बात बोल रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कि ये जब अखिलेश जी से मिलने गए हैं शिवपाल जी, उसके पहले इनका कांग्रेस के साथ गठबंधन की पूरी योजना थी, और उसके केंद्र में जो एक दो लोग थे उसमें मैं भी शामिल था। मतलब मैं शामिल क्या था, मेरे सामने सारी घटना घट रही थी, और कौन वो नोएडा के व्यक्ति थे और क्या है, वो सब बातें यहाँ करना ठीक नहीं। तो ये जाने वाले कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले थे, लेकिन इन्हें अंत में राजभर ने समझाया और ये वापस वहां आए। तो ये बड़े दिल से आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है शिवपाल के साथ। तो अब अगर शिवपाल को इन्होंने बना दिया विरोधी पक्ष का नेता, तो आप ये समझ लीजिए कि 80 लोकसभा सीट के विभाजन, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के समय ये इनको बड़ी मुश्किल होगी, और सदन के अंदर ये कितने हमलावर होंगे, जो आदमी एक बार अमित शाह द्वारा मैनेज किया। देखिए, मैं शिवपाल पर भरोसा नहीं करता हूं कि वो समाजवादी पार्टी के विपक्षी दल विधायक दल के नेता के रूप में वो सदन चला सकते हैं। हाँ, वो संगठन चलाया है उन्होंने, वो भी शैडो के रूप में चलाया है। मतलब क्या अगर सर, वो करल से इस्तीफा देते हैं और यहाँ लोकसभा में बैठे, तो लोकसभा में उनके लिए कुछ नहीं रखा। मैंने पहले ही कहा कि उनके पास राजनीति करने का बहुत लंबा समय है। उनको चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में रहें और लोकसभा से इस्तीफा दें और उत्तर प्रदेश में रहें। और उनके पास एक बहुत मुफीद आदमी है लोकसभा में सवाल उठाने के लिए, उसका नाम धर्मेंद्र यादव है, उसको वो प्रयोग कर सकते हैं लोकसभा में। इसके अलावा जो अभिलाष जी ने कहा है कि पार्टी अगर लगभग दो दौर और तीसरे दौर में रहेगी, अगर बाहर हो जाएगी, मायावती जी का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो पार्टी को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है और कार्यकर्ता भी सत्ता के साथ रहता है, कार्यकर्ता भी टूट जाएगा, कब तक वो आपके लिए लाठी खाएगा? तो इसलिए हाँ, अखिलेश जी और को दिल्ली भी, जाने से दूरी भी बन जाएगी उनकी लखनऊ हाँ से। देखिए, दिल्ली दिल्ली जाने से वो कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाएंगे, और शिवपाल जी को संगठन चलाने का अनुभव है, जैसा कि मेरा निजी मानना भी है कि शिवपाल जी बहुत अच्छा संगठन चला सकते हैं। शिवपाल जी को चाहिए कि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष उनको बना के वो जो है पार्टी चलाएं, अखिलेश जी विधानसभा संभालें और धर्मेंद्र यादव को दिल्ली की जिम्मेदारी दें, तो पार्टी का मुझे लगता है एक सुदृढ़ मामला बनेगा। इसके अलावा मैं दूसरी चीज ये कहना चाहता हूं कि जैसा कि अभी अभिलाष जी ने कहा था कि पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, अगर उसका घोड़ा गाड़ी पेट्रोल उसको नहीं मिलेगा, वो उसमें एक ऊर्जा नहीं रहेगी, तो वो फिर कट जाता है और वो कितने दिन लाठी खाएगा? तो अखिलेश यादव को चाहिए कि इस प्रकार से कुछ लोग, एक आध आदमी हो सकता है कि राजनीतिक परिस्थितियां देखते हुए आपको किसी राजनीतिक व्यक्ति को, हो सकता है भाई जैसे उनका गठबंधन हुआ था जयंत चौधरी के साथ, उनकी कुछ ऐसी ऐसे समझौते रहा हो कि भाई हम आपको राज्यसभा में भेज देंगे। लेकिन इसके अलावा जैसे संजय सिंह का एग्जाम्पल दिया कि संजय सिंह पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन दो गुप्ता जो आम आदमी पार्टी में हो तो नॉन पॉलिटिकल है ना, तो इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अभिलाष जी ने कहा, जो शिवपाल जी को लास्ट में समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया, समाजवादी पार्टी में शिवपाल जी बेमन से आए हैं, इनकी मैं इस बात को पुख्ता करता हूं कि उनके कांग्रेस से लगभग लगभग समझौते हो चुके थे, और दिल्ली में मैं भी उसमें शामिल रहा हूं, मेरे सामने भी कई बार उस तरह की बातें हुई हैं और मैं कई एक आध मीटिंग में भी शामिल रहा हूं दिल्ली में। तो ये बाद में
समाजवादी पार्टी में गए हैं और अखिलेश यादव ने इनको चुनाव में उस प्रकार से प्रयोग नहीं किया जिस प्रकार से शिवपाल को करना चाहिए था। शिवपाल के कहने से उन्होंने एकमात्र सीट दी है विधायक के लड़ने के लिए, और उनके कहने से कोई सीट अखिलेश यादव ने उनको दी नहीं है। अब और चुनाव में उनको प्रयोग नहीं किया जिस प्रकार से करना चाहिए था, और अब एकाएक आप उनको विधानसभा में विपक्ष का नेता बना रहे हैं। तो ये बात बहुत मुफीद मुझे नहीं लगती है, और मैं अभिलाष जी की बात से तमाम 100% इत्तेफाक रखता हूं कि अखिलेश जी को खुद बनना चाहिए, और संगठन की कमान चाहे तो वो शिवपाल जी को दे दें। शिवपाल जी संगठन बहुत अच्छा चलाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आने वाले 26 मार्च को सभी विधायकों की बैठक लखनऊ में बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में इस बात का फैसला हो जाएगा कि अखिलेश यादव विधायक रहेंगे या सांसद पद से इस्तीफा देंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।